को बता ही रहा हूँ, ठीक है? तो दो वर्ड हैं, और जिसको एक का नाम है FM, एक का नाम DFM, ठीक है? FM का मतलब होता है ये जो एरिया होता है, इस एरिया को बोलते हैं जिसमें फास्ट मूव मिलता है, और एक उसकी तैयारी होती है, प्री तैयारी, जिसको बोलते हैं DFM, ठीक है? DFM होता है जो इससे पहले का प्री FM हो जाता है, जैसे ये वाला मूव जो फास्ट होता है, इसके बेस पे हम ये एरिया का एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें भी ये फास्ट मोमेंटम आएगा या नहीं आएगा, इसकी स्टडियां भी अलग रहती हैं। तो हम दोनों तीनों चीज़ों को थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे, जिसके सवाल हों, क्योंकि देखो मार्केट में ना, मार्केट 80% टाइम पे ना पैसा खाता ही रहता है रिटेलर का, बहुत कम मूव होते हैं, या तो छोटे छोटे मूव होते हैं जो रिट्रेसमेंट के एंगल से, जैसे हम आगे फास्ट मूव की बात करेंगे, तो फास्ट मूव में ये रिट्रेसमेंट कुछ जो होते हैं ना, 38% तक या 50% तक फास्ट आ जाते हैं, एक वो मूव होते हैं, वो कवर जोन के, मतलब कवर जोन में डायनेमिक POC के अंदर बनते हैं। जैसे आपको ही पता है, जहाँ पे पजल चल रही है वो डायनेमिक POC है ऊपर की साइड में, तो वहाँ बनते हैं। और कुछ ऐसे मूव होते हैं जो फ्री एरिया में बनते हैं, जैसे कि ये फ्री एरिया है जिसको हम बोलते हैं कवर स्पेस की दौड़, जिसके अंदर स्पीड मिलती है। तो जो ब्रेकआउट में DSDL से पहले एक स्लेंट का ब्रेकआउट के बाद की जो दौड़ रहती है, वो फास्ट मूव होता है, तो इसको हम FM बोलेंगे, ठीक है? फ्री मूव यानी फास्ट मूव। और DFM होता है ये वाला एरिया, ठीक है? ये वाला एरिया, इस एरिया को बोलेंगे DFM, ये वाला एरिया जिसके अंदर मार्केट आता है, या तो ट्रेप बिछाता है, ठीक है? ट्रेप बिछा के ऊपर निकल जाएगा, या उसको सक्सेस करके DFM से FM में जाएगा, और DSDL तक वो बिना ज़्यादा कोई पेचीदगी नहीं करेगा, एक बायर मूव देगा। अगर आप यहाँ फंसे हो तो शायद आपका प्रीमियम लूज कर जाए, आप यहाँ भी फंसे हो यहाँ तक आने में आपका प्रीमियम लूज कर जाए, यहाँ भी फंसे हो तो भी प्रीमियम लूज कर जाए। तो हमें क्या करना है, FM की स्टडी मेन करनी है। उस स्टडी से आपको ये पता चलेगा कि आपको डायनेमिक POC बॉक्स के अंदर कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। मान लो कि आप यहाँ से बैठे हो और ये मूव पूरा कैप्चर करना चाह रहे हो, तो इससे पहले आपका काफ़ी नुकसान प्रीमियम इरोजन कर देगा। अगर मार्केट को यहाँ आना भी है तो हमें बेस्ट प्लेस चूज करना पड़ता है, कि कौन सा बेस्ट प्लेस चूज होगा जहाँ पे अपने को अच्छा मूव मिल सकता है। तो उसमें हम मैच्योरिटी देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, और एक दो बार ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो डायनेमिक POC बॉक्स की मैच्योरिटी हमें पता चलती है, जिसके बेसिस पे, जैसे मार्केट आया है यहाँ पे शार्पली आया, तो मैं क्या कहता हूँ, पहली बार में मार्केट पूरा नहीं उठेगा, तो मार्केट अगर उठेगा नहीं तो वो कहीं ना कहीं अगर नीचे और आना है, तो यहाँ का जो मूव जो फास्ट आया है ना कवर जोन के अंदर, छोटा मूव फास्ट रिट्रेसमेंट पर्पज से आता है, वो छोटा होता है। अगर हम इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 38 या 50 के आसपास, मुश्किल से 50 के आसपास तक जाता है, इतना नहीं होता, ज़्यादा बड़े बड़ा नहीं होगा, स्टार्टिंग का फास्ट होगा, उसके बाद में पजल हो जाएगा अगर ऊपर जाएगा तो, ठीक है? तो स्टार्टिंग का फास्ट इसलिए होता है क्योंकि सेलर फंसे होते हैं और उनको अचानक से बड़ा एक तुरंत दूर कर देता है एसएल से, फिर धीमे 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 नीचे आता है, फिर वो ग्रीड क्रिएट करने से पहले उनका प्रीमियम इरोजन करता है, और थोड़ा सा इससे नीचे और जाता है ये फास्ट वाले DFM एरिया में, और वहाँ पर एक फास्ट मूव दिखाता है, फिर मार्केट उनको तेजी से दूर कर देता है। यानी कि मार्केट ये यात्रा करने से पहले आपको नीचे के लिए भी पजल करता है और ऊपर की साइड में लॉस दिखाता है। तो लॉस दिखाने वाले एरिया होते हैं वो कहीं ना कहीं डायनेमिक के अंदर होते हैं, तो डायनेमिक POC के अंदर होते हैं, जो अपना ये डायनेमिक POC है इसके अंदर होंगे। तो डायनेमिक POC के अंदर रिट्रेसमेंट जो पार्ट होगा वो फास्ट मूव में आएगा, ठीक है? तो वो फास्ट मूव में आएगा, और ये जो फास्ट मूव है ये होगा आपका DSDL से पहले स्लेंट के ब्रेकआउट पे, डायनेमिक की स्लेंट यानी DFM एरिया के बाद, ये DFM एरिया, इसके बाद ये वाला मूव, ठीक है? मेरे हिसाब से यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको स्टडी किस किस चीज़ की करनी है, आपको स्टडी करनी है डायनेमिक POC की, डायनेमिक POC के स्लेंट की, स्लेंट के बाद आ रहे, हम अगर सनरेज भी लेते हैं ना, तो ये वैसे सनरेज वाला मार्केट नहीं है,
तो सनरेज में भी मार्केट जब सनरेज को ब्रेक करता है तो उसी के बाद एक फास्ट मूव आता है, तो वहां मार्केट शार्प होता है, वहां आपको फीबो नहीं देता है और वहां पे पीओसी नहीं बनाता है, ठीक है, वहां पे बहुत छोटा सा एक रिट्रेसमेंट बना लेगा फिर गिरावट दे देगा। हाँ, कई कई बार वो 80% बाहर निकलता है, जिसमें हम एक्सपेंड वेज के टाइप में देखते हैं, जिसके ब्रेकआउट पे भी एक शार्प मोमेंटम आता है, तो वो सनरेज के बेसिस पे देखते हैं। बट यहाँ पे हम पीओसी के बेसिस पे और इसकी स्टडी और गहरा करने के लिए डायनेमिक डीएफएम वाला एरिया हो गया, डायनेमिक पीओसी के लास्ट वाला एंगल जो होता है डीएफएम एरिया, और डीएफएम एरिया के बेसिस पे एफएम एरिया, जिसमें एक फास्ट मूव आता है, और इसके आसपास भी आपको यहाँ के आसपास एक गोल्डन 10% जैसा कुछ मिल जाता है, जिसको भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो अब देखते हैं एफएम, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये तो ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आया। मैं एक काम करता हूँ, इनके नाम लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान भी रहे। एक तो हो गया एफएम एरिया, एक सेकंड, एफएम एरिया, ठीक है, और एक हो गया डीएफएम एरिया, इसके अंदर नहीं लिखा जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ एक लाइन ले लेते हैं, ये एरिया से ये एरिया के बीच में जो एरिया आता है इसको बोलते हैं डीएफएम एरिया, डीएफएम, ये वाला एरिया, ठीक है, ये डीएफएम एरिया होगा और ये एफएम एरिया हो गया, ठीक है। तो जब भी एक बार अगर डायनेमिक पीओसी को ब्रेक करके कवर जोन की दौड़ स्टार्ट करता है और उसका सक्सेस का राज होता है डीएफएम के अंदर और यहाँ के ट्रेपिंग्स एरिया और यहाँ के वेव की मैच्योरिटी के ऊपर वो रहता है कि हाँ मार्केट कहाँ तक आ गया। हम मोटा मोटी क्या देखेंगे, इस वेव का फीबो अटैच कर चुका है मार्केट, ठीक है, फीबो अटैच करने के बाद में डीएफएम एरिया के अंदर गया, डीएफएम एरिया के अंदर कुछ अबनॉर्मल बिहेवियर हुए हैं, मार्केट यहाँ पे फास्ट आता है, मार्केट यहाँ पे आया है फास्ट, वापिस से आया है, यहाँ पे ठहराव दिया। अब आपको अबनॉर्मल क्या लगेगा, आपको यहाँ पे अबनॉर्मल लगेगा, एक सेकेंड, अभी भी ज्वाइन हो रहे, अब यहाँ पे आपको अबनॉर्मल क्या लग रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में इसको टाइम लगा है, ठीक है, यहाँ तक कि यहाँ दूरी तय करने में टाइम कम हुआ है, यानी कि जो ये सरफेस था ये बढ़ा हुआ था, ये सरफेस कम हो गया, यानी कि यहाँ तक दूरी कम हुई, यहाँ और भी कम हो गई है, और अब ऊपर की साइड से ट्रेपिंग भी नज़दीक हो रही है, और यहाँ से ऊपर का एरिया से ग्रीड लेते हुए पैनिक करते हुए इस एरिया में गोल्डन 10% जैसा बनाता है, ठीक है, डीएफएम के एंडिंग के ऊपर गोल्डन 10% बनाता है और वहां से आपको एक एफएम की दौड़ देता है, अच्छी दौड़, जिसमें हमारा सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स जो रहती है पिन पॉइंट एरिया अटेंड करने में, हम कई जगह के पिन पॉइंट अटेंड करते हैं, मान लो कि हम ऐसे पिन पॉइंट अटेंड करते हैं जो कि डीएसडीएल ब्रेकडाउन पे है, वो हमें फ्री फ्लो दे देते हैं ऊपर की साइड में सक्सेस होने के, लेकिन ऐसे पिन पॉइंट्स हम देखते हैं जो कहीं ना कहीं डिस्काउंट भी होते हैं और कहीं ना कहीं एक पीओसी बॉक्स के अंदर अपर वाले पोर्शंस में होते हैं, वो प्रीमियम इरोजन वाले जगह बनती है, यानी कि उसको एक पजल जोन को पार करना होता है जिसको हम बोलते हैं पीओसी डायनेमिक एरिया, तो वहां पे हमारे प्रीमियम इरोजन के ज्यादा चांस होते हैं। आप यहाँ पिन पॉइंट भी पकड़ के सफलता ज्यादा बड़ी नहीं ले पाओगे, कहीं ना कहीं आप यहाँ आते आते यहाँ एग्जिट कर जाओगे, अगर आपने ये लिया है तो यहाँ आते आते यहाँ पे आप नुकसान खा जाओगे, तो इसकी मैच्योरिटी को पहचानना बहुत जरूरी होता है कि इसकी मैच्योरिटी कहाँ आएगी। तो इसके जो जितने भी हम अगर इसकी डीप स्टडी में जाएंगे तो इसका ये वाला डीएफएम एरिया और ये एफएम एरिया ये कनेक्टेड है और यहाँ से इसके लॉजिक्स निकल के आएंगे, ठीक है, ये जो फास्ट मूव है इसके एवज में ट्रेपिंग है, ट्रेपिंग के एवज में यहाँ चलना और यहाँ के कैंडल स्टिक का जो प्लस बनना, प्लस के बाद माइनस बनना, माइनस के बाद में एक ठहराव लेना, इनगल्फिंग करना और उसके बाद जाना, ये सारे पड़ाव जिसको हम यहाँ गोल्डन 10% से देख रहे हैं, इस पड़ाव के जरिए से देख रहे हैं, यहाँ का ठहराव देख रहे हैं, यहाँ फास्ट मोमेंटम हुआ करता था,
फास्ट मोमेंटम के साथ, यहाँ पे फास्ट ना होके यहाँ ठहराव हो रहा है, तो ये यहाँ जब फास्ट हुआ करता था वो फास्ट अब ठहराव हो रहा है, तो यहाँ से भी एक इंडिकेशन आपको नीचे के एरिया का निकल गया आएगा। तो काफी जगह आप इस एरिया का फायदा उठा सकते हैं। तो हम इसमें जो फास्ट मूव कई तरह के होते हैं, ठीक है, एक तो फास्ट मूव हो गया ये कवर स्पेस का, एक हमने आपको क्या बताया, अगर आपको पीओसी बॉक्स में लेना हो तो वो अपोजिट डायरेक्शन होगा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब जैसे ये डायरेक्शन जा रहा है, पीओसी बॉक्स यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक फास्ट मूव मिल गया, फिर आपको अपोजिट डायरेक्शन में एक फास्ट मूव मिल गया, फिर आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में फास्ट मूव मिल गया, एक फास्ट मूव मिल गया, यहाँ आपको प्रीमियम मिल जाते हैं। तो ये हो गया आपका डायनेमिक पीओसी के अंदर का एफएम एरिया, जिसमें मार्केट आपको फास्ट मूव दे रहा है, और ये हो गया कवर मतलब डीएसडीएल से पहले और स्लेंट के ब्रेकआउट के बाद मिलने वाला फास्ट एरिया। इसके बीच में सिर्फ पजल होता है, कोई भी एरिया डिसाइड करते हैं हम कि हमें ट्रेड करना है तो हमें इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखना होगा कि डायनेमिक पीओसी कहाँ बन रहा है, डायनेमिक पीओसी का डीएफएम एरिया कहाँ बन रहा है, वहाँ होने वाला स्वभाव कैसा है, फिबो अटैचमेंट और ये एफसीएफआर और बाकी की सारी चीजें देखते हुए हम उसमें डिसीजन लेंगे। ठीक है, एफएम और डीएफएम को लेके किसी का कोई सवाल है तो अभी बता सकते हो। वैसे ये मैं पब्लिक डालूंगा वीडियो में, सबके लिए यूट्यूब पे भी डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। तो जहां भी आपको ये देखो फास्ट मूव हमेशा आपको वहीं मिलेगा, जैसे मान लो ये एरिया है, यहाँ पे एक फास्ट मूव मिल रहा है, तो कवर एरिया तक आपको पूरा फास्ट मिला, उसके बाद में मार्केट ने पजल किया, जो ये गैप कवर किया है तो 3 कैंडल्स के अंदर मार्केट सिमट गया, यानी कि करीबन 45 मिनट मार्केट यहाँ रुका। और अगर हम इसमें कवर जोन के हिसाब से देखते तो वहां इतना बड़ा मोमेंटम और इतना नहीं है, अगर मान लो एक प्रीमियम मिला तो प्रीमियम के बाद ठहराव मिलेगा, ठहराव के बाद मार्केट ऊपर की साइड निकलेगा। तो कहीं भी हम देखेंगे तो अपना जो एरिया होता है एफएम एरिया, ठीक है, एफएम एरिया और उससे डीएफएम एरिया के बेसिस पे हम उसकी स्टडी करते हैं। और कई बार जो पिन पॉइंट हम नीचे से पकड़ते हैं, जो आफ्टर डीएसडीएल ब्रेक डाउन है, वहाँ आपको फास्ट मूव मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, वहां से मिल जाते हैं फास्ट मूव, क्योंकि देखो वो एरिया जो आपको ऑलरेडी ट्रेप कर चुका है, जिसमें वन साइडेड मूव है, यानी कि हम कहते हैं रिटेलर ब्रेकआउट एरिया है, रिटेलर ब्रेकआउट में रिटेलर का सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, तो वहां से आपको फास्ट मूव मिलने के चांसेस रहते हैं एक मैच्योरिटी के ऊपर। लेकिन अगर हम एक कवर दौड़ के अंदर अगर कोई ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो हमें बचना होता है डायनेमिक पीओसी डीएफएम एरिया और उसमें होने वाली गतिविधि, उसके बाद मैच्योरिटी चार्ट स्ट्रक्चर के। अगर आप पैटर्न्स के जरिए देखोगे तो यहाँ क्या देखोगे, आपको एक पैटर्न यहाँ नजर आ जाएगा, देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है, हेड एंड शोल्डर का ये ट्रेप हुआ, ट्रेप के बाद में भी मार्केट ने, अगर आपने यहाँ भी ले लिया, अगर मार्केट ने फास्ट मोमेंटम नहीं दिया तो एक एरिया ऊपर की साइड दिया जिसको फिर से ट्रेप किया, तो अब आप इसमें भी अगर ये देखोगे तो कहीं ना कहीं डीएफएम ने आपको इस जगह से बचा लिया, ठीक है, या फिर आपको जल्दी कवर करवा दिया, वापस से नई अपॉर्चुनिटी मिल गई, यहाँ के गोल्डन 10% को आप ट्रेड कर लोगे, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी हैं, इससे रिलेटेड किसी का सवाल है तो बता सकते हो। सर एक क्वेश्चन था, बताइए। ये जो आप टाइम के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पर जो है टाइम घट रहा है एक स्विंग से दूसरे स्विंग के बीच में, कौन सा टाइम घट रहा है? अच्छा ये जो होता है ना, यहाँ से यहाँ ये टाइम जो घट रहा है, देखो मेरा कहने का मतलब है इससे मार्केट ने यहाँ दूरी तय करी, एक रिट्रेसमेंट लिया, दोबारा इस पड़ाव पे आया, तो मार्केट ने यहाँ पे ना एक ठहराव अच्छा लिया है, अब वो आ रहा है एक तेजी को लेते हुए आ रहा है, तो उसको एक रिट्रेसमेंट चाहिए, वो एक रिट्रेसमेंट लेता है, फिर ठहराव लेता है, एक रिट्रेसमेंट एंगल बनाता है, तो वो एंगल में यहाँ का जो दायरा घटता है दूरी तय करने का, यानी कि ये यहाँ से यहाँ का सफर में उसको कितना टाइम लग गया, अगले वाले में कितना टाइम लग रहा है, ये टाइम का दायरा, और फिर अगली बार दोबारा आता है, जब हम ट्रेंड लाइन पे कहते हैं ना कि ट्रेंड लाइन पे एक टच हो गया, दूसरी बार टच हो गया, अभी तुरंत टच कर रहा है, तो वो ट्रेंड लाइन लूज होती है, तो फिर कहीं ना कहीं उस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। तो वैसे ही अगर इसमें आ रहा है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो ये जो दायरा है ये भी इम्पोर्टेंट है, और आने का तरीका, अब यहाँ पे वो अगर दोबारा उसको क्विकली अटेंड कर रहा है, यानी कि अभी अटेंड किया हुआ है, एक पावर है, तो मेरा देखो कहने का मतलब क्या होता है, इस एरिया की एक पावर होती है, अब यहाँ ये डीएसडीएल था जब ये अटेंड किया, इस एरिया की पावर यहाँ से बनने स्टार्ट हुई थी, और डीएसडीएल के बाद में मार्केट ने इसका रिट्रेसमेंट सबसे ज्यादा लिया, फिर ये दोबारा अटेंड किया, और इसको अटेंड करने में
काफी कम टाइम लिया, फिर यहाँ अटेंड किया जिसमें और पावर ली गई, जिसमें इस एरिया का एक ट्रैप दिखाई दिया, ये वापिस से वही एरिया कवर किया, इस एरिया के बाद में रिट्रेसमेंट। अब जो ये रिट्रेसमेंट है वो रिट्रेसमेंट पड़ाव घट रहे हैं, जितना मैक्सिमम पावर ले रहा वो घट रही है। अब यहाँ पावर लेने के बाद में ये सरफेस देखो कम हुआ, अब यहाँ पे सरफेस ज्यादा था, इस सरफेस के बाद में सरफेस कितना कम हुआ और ट्रैप कितनी जल्दी बन के वापिस आ रहा है, यानी कि मैच्योरिटी बहुत जल्दी में हो रही है। तो यहाँ पे आ रहे बिहेवियर, और अगर मैं कहता हूँ कोई डीएफएम एरिया होता है उसके अंदर पहले मार्केट फास्ट था और अब मार्केट अगर स्लो हो रहा है तो मार्केट का ट्रेंड बदल रहा है, चीजें बदल रही है, यानी कि वो अब उसको उस मार्केट वहां से निकलने वाला है, तो उसके साइन लेते हैं, फिर उसके हिसाब से कैंडल स्टिक चीजें देख के आप चाहो तो यहाँ पे आप उसको कवर कर सकते हो, आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है, एक छोटे एसएल के हिसाब से एंट्री उठाने की बात होती है। और किसी का कोई सवाल है इससे रिलेटेड? सर हाँ हाँ, ये जो डीएफएम होता है वो ट्रैपिंग एरिया में बनता है क्या? डीएफएम देखो एक ट्रैपिंग ही रहा ये, आप अगर देखोगे तो यहाँ ट्रैप किया गया, किसको ट्रैप किया गया है? डीएसडीएल को। मैं कहता हूँ कि जब मार्केट किसी लेवल को तोड़ता है, ठीक है, उसे यहाँ तक आना था तो वो एकदम से यहाँ से सीधा यहाँ पड़ाव नहीं मार सकता, मतलब कहने का मतलब पहला पड़ाव छोटा फिर दूसरा बड़ा ऐसा नहीं कर सकता, वो क्या करता है पहला बड़ा पड़ाव तीसरा दूसरा वाला छोटा पड़ाव ऐसे करता है, यानी कि 30% एरिया बाहर निकलता है, 30% एरिया बाहर निकलता है, तो वो 30% एरिया बाहर निकालने से पहले यहाँ इसने जोन बनाया और जोन बनाने के बाद में इसको जस्ट ट्रैप किया, यानी कि वो लोग जो छोटा एसएल की उम्मीद में इस ब्रेकआउट पे जंप नहीं मारते उन लोगों के लिए एक छोटा एसएल प्रोवाइड करता है, और प्रोवाइड करने के बाद में उन लोगों को ऐसे एंगल दिखाता है जिसमें ये वाले एंगल टूटते हुए ये वाले एंगल टूटते हुए दिखते हैं, तो सेलर दोबारा आते हैं, तो उनके लिए ये क्या हो गया जो आप कह रहे हो वही तो हो गया, मतलब ट्रैपिंग एरिया ही तो हुआ, तो यहाँ जोन बना पहला जोन ही, यहाँ हम इसको रिटेलर ब्रेकआउट एरिया यही मानेंगे कि रिटेलर ब्रेकआउट के बाद जस्ट इसको, एक तो वो लोग जो फोमो में कूदे हैं, एक वो लोग जो जिनको छोटे एसएल चाहिए होते हैं, यानी कि एक स्विंग बन जाए उनके लिए स्विंग दे दिया, स्विंग देने के बाद मार्केट ट्रेप करके ऊपर की साइड, तो ये हो गया ट्रेपिंग एरिया। जब नेक्स्ट टाइम ये आता है तो नेक्स्ट टाइम में ये जोन बना, ये जोन के बाद में 30% में इसी एरिया के आसपास आ रहा, तो ये फास्ट वाला एरिया था अपना, जस्ट टच किया 30% यहाँ बनाया तो 30% से यहाँ डायरेक्टली जंप मार गया, फिर मार्केट आप आया यहाँ के आसपास एरिया बनाया 30% में इसने जंप लगाया, फिर मार्केट ऊपर निकले, फिर आया मार्केट 30% एरिया ये बनाया ये जंप माया मार्केट ऊपर निकले, इस बार मार्केट यहाँ ठहराव नहीं ले रहा, इस बार मार्केट डायरेक्टली इसमें जंप मार रहा और 30% इसके अंदर बनाने की कोशिश कर रहा है और अगला पड़ाव पार कर रहा है। जो मार्केट कर रहा है आप उसको देखते जाओ कहाँ कहाँ कैसे कैसे मोमेंटम कर रहा है और वही आपको सिखाएंगे, तो आप कहोगे कि ये भी ट्रैपिंग है ये भी ट्रैपिंग है, अब ये फ्लो ऐसा था जो लगातार लगातार, अगर मार्केट इसी वे में नीचे चलता रहता और रिट्रेसमेंट नहीं करता तो हम इसे कहीं ना कहीं चेजिंग में ले जाके इस ब्रेकआउट को सक्सेस का कहानी भी बना सकते, लेकिन इसका मतलब क्या होता, देखो इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग होता, ये एक बड़ी रेंज को इन्वाइट करता, फिर फास्ट मोमेंटम को इन्वाइट करता क्योंकि चेजिंग हो चुका होता, जैसे हम कहते हैं ना ब्रेकआउट सक्सेस और फेल उसका रीजन बन जाता, लेकिन मार्केट को ज्यादा लंबा नहीं जाना ना, तो उसको सिर्फ सक्सेस करना था एफएम एरिया, तो एफएम एरिया के हिसाब से इसने क्या किया यहाँ से इसको चेजिंग को तोड़ा, मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली कहा था सीधा ऊपर भी नहीं जाएगा, फिर ये तोड़ा फिर इस एरिया के आसपास फिर ये तोड़ा फिर एरिया के आसपास, तो डीएफएम को बार बार अटेंड कर रहा है, अब डीएफएम को अटेंड करके जो उसका मजबूती है, देखो डीएफएम एरिया वो होता है जो आ रही सेलिंग को तोड़ता है, यानी कि उसको एक करंट की तरह देता है और वहां पे एक पावर होती है जिससे बायर बाइंग को पुश मिलती है, बाइंग को पुश मिल जाती है, बाइंग की पुश मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे बायर की पुश घटती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो बाइंग साइड में जो स्ट्रेंथ मिलनी है वो स्ट्रेंथ घटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जल्दी वापस अटेंड करने आ रहा है, जल्दी वापस अटेंड करने के लिए आ रहा है, तो इस हिसाब से हम उसकी पावर और चीजों को और ऊपर का एरिया देखो एक ही एरिया के आसपास, अब आप ये देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये हेड एंड शोल्डर है, ये ट्रिप कर रहा है और ये इस जगह से चलने का, और जब आप एरिया देखते हो आपको ठीक है, तो ये सारी चीजों के इंडिकेशन लेते हुए आप परफेक्ट प्लेस पे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो ट्रेडिंग होती है जिसमें हम पिन पॉइंट ट्रेडिंग करते हैं उसमें कई बार पिन पॉइंट हम ऐसे एरिया पे भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं जो हमें बेनिफिट देने की बजाय वहाँ कैंडल कोरिलेशन ज्यादा होने की वजह से या कैंडल कोरिलेशन ज्यादा होने की वजह से छोटे छोटे एसएल्स ज्यादा देखने पड़ जाते हैं अटेंड करने में, फिर हमारे हाथ बड़ा एरिया हाथ लगता है, तो उस चीज का सोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो वो एफएम और डीएफएम से निकल जाएगा, डीएफएम आपको एक अलग समझ देगी, एफएम आपको वो एरिया देगा, उसके बाद में आपका ये भी पता रहेगा कहाँ से पजल स्टार्ट होने वाली है
तो एक बायर जो एंगल होता है ना, जैसे एक आप अगर कम पैसे में ट्रेड करते हो तो आप बाइंग ही कर सकते हो, तो आप यहाँ बाइंग करोगे शायद यहाँ से यहाँ तक आने में पैसा इतना नहीं कमा पाओ, उससे पहले आपको एसएल देखने, हम छोटा एसएल देखते हैं हमेशा, तो हमारे लिए सही नहीं है। जिसको बड़ा एसएल देखना उसके लिए तो ठीक है, वो चाहे यहाँ भी बैठ गया, यहाँ भी बैठ गया ना, जिसको ये एसएल देखना एक प्राइस एक्शन, उसके लिए ठीक है आप ये अटेंड कर लोगे, लेकिन जिन्होंने छोटा एसएल पे ये अटेंड करना तो उनको और शार्प होना पड़ेगा, एनालाइज में डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, इस एरिया में हम क्या कर सकते हैं, इस एरिया में अगर मान लो बाय चांस आपको यहाँ से ही अटेंड करना है और मार्केट इधर जाएगा, अभी कम्प्लीटली इस एरिया में परिपक्वता नहीं दिख रही, तो आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो, तो सेलिंग आपको नुकसान नहीं देगी, लेकिन आप फास्ट बाइंग मूव देख रहे हो, जैसे हम फास्ट मूव देख रहे हैं, वो यहाँ से नहीं मिलके आपको आगे कहीं मैच्योरिटी पे मिलेगा, तो आप कहाँ अटेंड करोगे, वो चीज देखनी जरूरी होगी। तो एफएम और डीएफएम आपको उसमें बहुत हेल्प करेंगे, पीओसी जो डायनेमिक हम बनाते हैं वो आपको इस चीज में बहुत अच्छा हेल्प करेगा, पीओसी, पीओसी के अंदर के सरफेस एरिया। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब किसी एरिया, जैसे कोई भी पैटर्न है, वो पैटर्न भी कहीं ना कहीं मैच्योरिटी होती है, तो अगर ऐसे ऐसे करके कोई एक पैटर्न बन रहा है तो अगर उसमें मल्टी वेव बनने लग जाती हैं, वो इंडिकेट करती हैं, वो मैच्योरिटी इंडिकेट करती हैं, ठीक है, या फिर अबनॉर्मल कोई और बिहेवियर शो कर जाए कि एक ऊपर की नीचे की ट्रेप होने के बाद में अगर वो फास्ट हो रहा है, या मतलब कोई पुष्पा एंगल बनाए, कुछ ऐसा एंगल बनाए जो ट्रेपिंग, मजबूत ट्रेपिंग एंगल बनाए मैच्योरिटी के आसपास, ऐसी चीजें जैसे इसमें हम यहाँ पे ये देख रहे हैं इसके बेसिस पे, तो वो हमें मैच्योरिटी इंडिकेशंस करते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ ऊपर की ट्रेपिंग भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। वेव का सरफेस भी घटना मैच्योरिटी के टाइम पे, वेव का सरफेस भी घटना है, बाकी आप ये पड़ाव देखोगे ना, ये पड़ाव के लिए एक अलग दूरी दिखती है और ये पड़ाव में ज्यादा टाइम वाइज है, यहाँ प्राइस वाइज है, ठीक है, वो चीजें भी आपको दिखेंगी। यहाँ पे आपको ऊपर बढ़ते हुए फॉर्म में दिख रहा है जो स्टेप है, उसके बाद में स्टेप घटते हुए फॉर्म में ट्रेपिंग किया और फास्टली मार्केट नीचे की साइड निकल गया, ये ब्रेकर था जहाँ पे एक बार ट्रेप और आफ्टर ट्रेप, उसके बाद मार्केट नीचे की साइड निकल गया, तो ये चीजें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। इस चीज से आपको काफी मतलब इन चीजों को डिसीजन लेने में एक हेल्प मिल जाती है। कई बार क्या, हम यहाँ होके भी गलत हो जाते हैं फॉर डाउनसाइड, और कई बार क्या है कि हम सही एरिया न चूज करने की वजह से हमारा डिसीजन गलत हो जाता है, तो उस पर हमें और शार्प एनालाइज डेप्थ में जाना पड़ता है और एडवांस होना पड़ता है। और कई बार ये एरिया भी है, जैसे आगे मैं और भी वीडियो जैसे बना रहा हूँ जिसमें आपकी पिन बार की, सुपर पिन बार वगैरह भी बनती हैं, तो उनको भी हम अटेंड करेंगे, उनके तरीके अलग होते हैं, पिन बार होती है वैसे सुपर पिन बार भी होती हैं, तो वो एरिया कौन से होते हैं जहाँ सुपर पिन बार बनती है, जहाँ पे हम छोटे एसएल के साथ बढ़िया बड़ा टारगेट ले सकते हैं, वैसे ही इस एरिया में भी, इस पूरे मूव के अंदर भी हम देखते हैं ऐसी जगहें, जैसे मान लो यहाँ के आसपास आ रहा है तो हमें क्या देखना होगा कि प्रोटेक्टर क्या आ रहा है ब्रेकआउट के बाद में, तो आप क्या देखते हो, फर्स्ट सनराइज देखते हो या कोई ऐसा एंगल देखते हो जो आपको रोक रहा है, तो वो एंगल रोकना, रोक रहा है नहीं रोक पा रहा है, उसके बेसिस पे आप ये एरियाज को भी अटेंड कर सकते हो उस समझ के हिसाब से कि अभी नहीं हुआ एक फास्ट मूव। मैंने क्या कहा, आपको फास्ट मूव कहाँ मिलेगा, एक तो मिलेगा यहाँ पे, एक आपको कहाँ मिलेगा, देखो एक जो F15 में मिलता है वो अलग है, वहाँ कोई बेस नहीं बना, अब इसका बेस बन गया ना, यहाँ POC बन चुका है ना, तो वहाँ आपको फास्ट कब मिलेगा, यहाँ पे आपको फास्ट क्या मिलेगा, डायनेमिक के अंदर एरिया में, डायनेमिक के अंदर एरिया में, डायनेमिक के अंदर एरिया में, और डायनेमिक के अंदर एरिया में अगर मार्केट घूमे तो कौन से एरिया से घूम सकता है, जहाँ आप वो एरिया अटेंड करो, आपको लगे कि मार्केट यहाँ से अटेंड नहीं करेगा, किसको, जो FM एरिया को अटेंड नहीं करेगा, तो DFM एरिया फॉर स्मार्टली अटेंड किया जा सकता है फास्ट स्केल्पिंग के पर्पज से, ऊपर के साइड में बहुत छोटे SL को अटेंड करते हुए, तो ये दोनों तरफ से काम आता है, फास्ट स्केल्पिंग में भी ये बहुत अच्छा काम आता है, और ये उस चीज को जज करने में भी काम आता है जिसमें बायर एक SL देख रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। किसी का कोई सवाल है तो बताओ, सवाल नहीं है तो मैं वीडियो दूसरा वाला लेता हूँ फिर इसको रोक के।